सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। विचार कितने भी उत्तम क्यों ना हो, जब तक व्यवहार में नहीं बोलते तब तक उनका विशेष महत्व नहीं है। जिंदगी में बेशक हर मौके का फायदा उठाओ, मगर किसी के हालात और मजबूरी का नहीं। हजार मील का सफर भी एक कदम से ही शुरू होता है। वर्तमान को सबसे बेहतरीन पल बनाओ, क्योंकि वो वापस नहीं आता। आज का पंचांग 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, सावन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, शाम 5:46 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र दोपहर 12:18 तक रहेगी। इसके उपरांत उर्वशाणा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:46 से 5:23 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। मकर राशि 9 अगस्त 2022 दिन मंगलवार, आप अभी पैसे किसी काम में हानि से परेशान हो सकते हैं या नुकसान अस्थायी है। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। विकल्पों को खोजें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप असहाय महसूस कर रहे हैं या चिंताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं तो अपने प्रियजनों से मिलें। आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करना एक बुरा विचार नहीं है, खासकर जब आप किसी समस्या में हैं। दोस्तों के साथ घूमने जाना कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। अपने परिवार को समय दें और उसके बाद आप एक बड़ा परिवर्तन पाएंगे। याद रखें कि इंसान को दुनिया में सब कुछ दिखाई देता है केवल अपनी गलतियों की। ग्रह नक्षत्र के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि मकर राशि वालों को आज व्यापारिक कार्य साधारण रूप से चलते रहेंगे और नए व्यापारिक संबंध से आपके भाग्य के सितारा चमकेगा। काम धंधे के समय व्यापार की स्थिति सामान्य रहेगी। रोजमर्रा से जुड़े सामानों से संबंधित फास्ट मूविंग उत्पादों की बिक्री ठीक ठाक चलती रहेगी। लोहे व प्लास्टिक से जुड़े काम में अच्छा कारोबार होगा और नए ऑर्डर भी मिल सकते हैं। नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के काम में आज सुस्ती देखी जाएगी। पति पत्नी के मध्य किसी बात पर टकराव हो सकता है जिससे आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं। दिन के उत्तरार्ध में अचानक अतिथियों का आगमन हो सकता है। पिता के मार्गदर्शन से संतान से बड़ी समस्याओं को हल करेंगे। संध्या काल का समय मित्रों और परिजनों के साथ हास परिहास में व्यतीत होगा। सावधानियां। आज के दिन आपके लिए कुछ परेशानी भरा हो सकता है। यदि आपको किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े तो उसमें भी आपको धैर्य बनाए रखना बेहतर रहेगा। परिवार के सदस्यों का आपको पूरा साथ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप कठिन कार्य को भी पूरी मेहनत से कर देंगे। बिजनेस कर रहे लोग किसी बड़े नुकसान में आ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए रिलेशनशिप में बंधने का समय आ चुका है। अपने रूप में बदलाव करके आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे अपने दिल का हाल अपने साथी को बताने में आसानी होगी। ससुराल वालों की परेशानियां आपके निजी जीवन को प्रभावित कर सकती है। आज आप दिमाग की जगह भावनाओं में बहकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। अपने परिवार और पार्टनर के प्रति नम्र रहें और प्यार की बहार का आनंद लें। बुरी आदतों से दूर रहें। आपको कोई सरप्राइज मिलने की संभावना है या आप भी अपने साथी के लिए कुछ खास कर सकते हैं। बात करते हैं करियर की। आपके ग्रहों के अनुसार यह समय नए करियर विकल्प या ताजे रिश्ते के लिए उपयुक्त है। आपके आसपास के लोग आपके काम को नोटिस कर रहे हैं और आप भी अपनी शक्ति व कमजोरी को अच्छे से पहचानते हैं। एक शांत समुद्र कभी भी आपको एक अच्छा नाविक नहीं बना सकता। अपने करीबी लोगों से अपने प्यार को जताना आज एक बढ़िया आइडिया है। इससे आप उनके और भी पास आएंगे और सुरक्षित महसूस करेंगे।
अगर आज कुछ नामुमकिन लगे तो कुछ समय निकाल कर अपनी आपकी सुनी, उन लोगों के साथ अच्छे रही जो आपके साथ अच्छे हैं। जितना अधिक हो सके उतने लोगों से बात करें। बात करते हैं सेहत की। आज मकर राशि के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन दिन भर आलस की स्थिति बनी रहेगी। ऊर्जा का स्तर निम्न रूप में रहेगा। सुबह उठकर योग और ध्यान करना लाभकारी रहेगा। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी के समक्ष दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।